काफी हेक्टिक दिन रहा है इसके लिए। वो सच में चाहता था कि तुम आ जाओ ताकि वो सबको बता सके कि तुम ही उसके पापा हो। क्या तुम्हें भूख लगी है? हाँ ठीक। मुझे भी। क्या देख रही हो मुझे? मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इंस्टेंट नूडल इतने पसंद है, वो भी मिचेलिन फूड से ज्यादा। तुम भी वही करती अगर दिन भर भूखी होती तो। क्या तुमने पूरे दिन कुछ नहीं खाया? सुबह की पहली फ्लाइट जो पकड़नी थी और फिर वहां से किंडरगार्टन डायरेक्ट भाग के पहुंचा और खाने को टाइम ही नहीं मिला। तो तुम बिना कुछ खाए ही सीधा पेरेंट चाइल्ड इवेंट में आ गए? हाँ। क्या तुम्हारा बाशिंग में काम हो गया? मैंने रात भर बैठ के काम खत्म कर लिया और कुछ एक्स्ट्रा टाइम बच गया था इसलिए ऑनलाइन बैठकर बेकिंग की एक्स्ट्रा क्लासेस ले ली। तुम इतना काम करके थक गए थे तो तुम्हें नहीं आना चाहिए था, चैन चैन समझ जाता। लेकिन अब मैं जो आ चुका हूँ मैं उसे सिर्फ बेस्ट ही देना चाहता हूँ जो भी मुझसे पॉसिबल है। शिनची। शुक्रिया। अरे ऐसे मत कहो, वो मेरा भी तो बेटा है। नहीं, वो इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें उससे मिलाकर कोई गलती नहीं की। मिस काओ, ये आपकी कॉफी और ये प्यारा सा छोटा सा डग भी। थैंक यू, मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें किस करूं? तुम्हारे इसी हरकतों को देख के मुझे बहुत गुस्सा आता है। अपना चेहरा देखा है? क्या हुआ है तुम्हें? क्या उसके साथ डिनर के बारे में सिर्फ सपना ही देखती रहती हो? हाँ ऐसा ही कुछ। ऐसे तो नहीं तुम्हें फिर से प्यार हो गया है? हाँ लेकिन मुझे यकीन नहीं है। छोड़ो, जाने दो, तुम्हारे हाथ में क्या है? ओह, ये मैंने और चान चान ने बनाया था पेरेंट चाइल्ड इवेंट के लिए, इसलिए उसे ये देना था अपनी गॉड मदर को। ओह कितना प्यारा बच्चा है, उसने मेरे लिए भेजा। बहुत अच्छा दिख रहा है ये, तुमने तो पक्का नहीं बनाया है। किसने बनाया? हाँ मैंने तो बिल्कुल नहीं, तुम्हें पता है ना कुकिंग मेरे बस की बात ही नहीं है। और इतना ब्यूटीफुल केक जो... एह, क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है मैं जितनी खुश लग रही थी उससे तुम कहीं ज्यादा खुश लग रही हो। सच में? अच्छा बताओ तुम्हें प्यार हुआ है? जो रुजी तो पक्का नहीं, तो फिर कौन है? कहीं वो बेकर तो नहीं? क्या एक बेकर पे मेरा दिल आएगा? अरे तो फिर मुझे बताओ ना कौन है। तुम मेरी अच्छी दोस्त हो ना, क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हारे साथ बात की थी उसके पापा के बारे में? हाँ क्यों, क्या वो तुम्हारे पास वापस आ गया? सुनो मी हुए, अगर वो वापस आया तो वो वापस आ गया? सिर्फ इतना ही नहीं, वो तो शैनचैन से भी मिला है। क्या? तुम शांत रहो ना प्लीज, शांत रहो, ध्यान से सुनना। वो शिनची है। क्या? वो यूनिकॉर्न? मुझे माफ कर देना कामू, मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मुझे कॉम्प्लिकेशंस नहीं बढ़ानी थी। मैं तो उसे शैनशान के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाली थी, लेकिन सिचुएशन थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, अब बाकी तो तुम जानती हो। पता नहीं क्यों मुझे पहले से ही लग रहा था कि तुम दोनों के बीच में कुछ है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं गलत हूँ। तुम दिन में सपने देखना ना बंद करो कामू, हम दोनों सिर्फ चैन चैन के लिए उसके पेरेंट्स हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हाँ लेकिन किसे पता है आगे क्या होने वाला है? 2 महीने पहले तुमने सोचा भी था तुम उसके साथ एक ही घर में रहोगी? वैसे भी दुनिया में करोड़ों लोग हैं, तो अलग होने के बाद फिर से मिलने के चांसेस कितने होते हैं? उनका तुम क्या आप गिन रही हो? मेरा मतलब है तुम दोनों बस एक दूसरे के लिए बने हो। हाँ तुम्हें नहीं लगता ये सारा कितना रोमांटिक हो रहा है? बाकी कुछ नहीं, लेकिन ये शिनशी के गुड लुक्स के लिए वर्थ है।
क्या सच में? मिहोए, तुम्हारे पास्ट का असर तुम्हारे प्रेजेंट पे मत होने दो। अगर तुम्हें उसके लिए कुछ फीलिंग है तो खुद को मत रोको। समझ गई। अगर मेरा दिल ये सब चाहता हो तो मैं इसे अवॉइड नहीं कर सकती। तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था? मैं भी खुद की खुशी ढूंढूंगी। तुम्हारा वाला कौन है? नहीं बताऊंगी। खिलौने का क्या? तुम ही रख लो। ये तो अच्छा हुआ मैं रेडी हूँ। जब वो कन्फेस करेगा मुझे तो परफेक्ट होना चाहिए। वैसे उसने कन्फेशन करने के लिए कोई स्पेशल जगह क्यों नहीं सोची? कितना रोमांटिक है ना? हाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो उनके साथ होना चाहिए था ना? मैंने क्या किया? जिंग जिंग, मुझसे शादी करोगी? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो मूवी देखने चलोगी? क्या मैं ना बोल सकती हूँ? हाँ, वो मैंने सोचा। क्या तुमने टिकट्स लाए हैं? हाँ। मैंने तो ना ऐसे ही बोल दिया था। चलो, मुझे मूवी का स्टार्ट मिस करना अच्छा नहीं लगता। रुको रुको, मेरे लिए। मिनहुई, तुम मुझे मिस्टर याओ ने मुझे बताया, लेकिन पता नहीं था मिस्टर शीन भी हैं। आओ बैठो। हाँ, क्या हुआ? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ब्लू जे इन्वेस्टमेंट के जो मेजर शेयर होल्डर है आरजी ग्रुप, उन्हें मेरा ये एआई सॉफ्टवेयर ज्यादा पसंद नहीं आया। और शिनची भी बाइशिंग गया था उनके प्रेसिडेंट से मिलने। उसने काफी कोशिश की उन्हें मनाने के लिए, पर उनका सिर्फ यही कहना है कि हमें जल्द से जल्द कोई प्रोटोटाइप चाहिए, वरना वो बाकी शेयर होल्डर्स को मना नहीं पाएंगे। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं टेक्निकल पार्ट तो हैंडल कर लूंगी, पर मुझे अपने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक यूनिक मेडिकल केस जरूरी है। कोई यूनिक केस? रिक्वायरमेंट क्या है? मुझे ऐसी कंडीशन चाहिए जिसके ट्रीटमेंट में काफी डिफिकल्टीज आई हो, तो ही ये मेरे लिए बेस्ट होगा। इस सर्जिकल फील्ड में मेरा एआई सॉफ्टवेयर इस हार्ट डिजीज ट्रीटमेंट में कैसा एप्लीकेबल होता है ये डेमोन्स्ट्रेट करना है। मैं जल्द से जल्द ढूंढ लूंगा, लेकिन याद दिला दूं, कुछ मेडिकल केसेस में पेशेंट्स की प्राइवेसी इन्वॉल्व होती है। अगर कोई पेशेंट एग्री नहीं करता तो हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते। हमें उसके बारे में पता है। माफ करना कि हम आपसे ऐसे कोई केस की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बाकी मैं हैंडल कर लूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं और मीनू ही काफी सालों से दोस्त हैं। उसे हेल्प करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया। क्या तुम मेरे साथ लंच करना चाहोगी? वो फ्री नहीं है। हाँ, वैसे मुझे बहुत काम है, मुझे ऑफिस भी जाना होगा प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने। ठीक है, तो हम डिनर साथ में करते हैं आज रात। मैं हार्डी को भिजवा कर शानचान को पिकअप करवाता हूँ, ताकि तुम काम पे फोकस करो। एक्सक्यूज मी एवरीवन, मैं आपका कुछ वक्त लेना चाहता हूँ, और हम यहाँ पे एक सुखद और आनंदमय क्षण के गवाह होने वाले हैं। आज मेरा दोस्त आप लोगों के सामने एक लड़की से अपने प्यार का इजहार करने वाला है, जिससे वो बेहद प्यार करता है, और मुझे आशा है कि आप लोग उन दोनों के लिए खुशी से तालियां बजाएंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं द लेडी ऑफ द डे। शेंजी अर्जुन, तुम मुझे कभी निराश नहीं करते। हाँ।
मिस चेन खयांग। मेरे हेडफोन्स कहाँ आ गए? मैंने यहीं तो रखे थे। मुझसे शादी करोगी? उसने हाँ नहीं कहना चाहिए। प्रपोज करने के लिए वीआईपी हॉल क्यों नहीं बुक किया? हाँ, शेयर करने में क्या पॉइंट है? उन्होंने हक किया। डेटा शिफ्टिंग कहाँ तक पहुँचा? बस तीसरा हो गया है, बाकी काम चल रहा है। हाँ ठीक है, तुम्हारी प्रोसेस कहाँ तक आई? ये अच्छा नहीं है, और क्या मिल सकता है देखो। ठीक है मिस मिन। टैंगशिंग, तुम्हारा कहाँ तक आया? आधा काम तो हो गया, मैं कल से पहले पूरा डेटा एग्जामिन कर दूंगी। काय, तुम्हारा फ्रेमवर्क कैसा चल रहा है? काय, लगभग हो ही गया है। चलो गाइस, अभी ब्रेक लेते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल कर लेंगे। मिस मिन, मुझे पता है कि काफी टाइट शेड्यूल चल रहा है, लेकिन इस सब के वजह से हेल्थ सैक्रिफाइस करनी नहीं चाहिए, और वैसे भी ओवर टाइम करना अच्छा नहीं होता, इसलिए आपका जो भी काम है वो अभी रोकिए और घर जाकर रेस्ट करिए। अच्छा ठीक है, चलो चलो चलो, अभी अपने घर जाओ, बाकी का सब कल कर लेंगे। काय बहुत हो गया, अभी घर जाओ। चलो, तुमने कुछ खाया? तुमने भी तो कुछ नहीं खाया ना। इतनी देर तक कॉफी मत पियो, ये लो पानी। तुमने भी अभी तक खाना नहीं खाया, ये खा लो। शुक्रिया। निकल गए क्या सब? हाँ, इस तरह का डेटा वर्क हमें जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, और सबने काफी मेहनत की है। जूनियर्स सारे घर चले गए और बॉस अभी तक काम कर रही है। मेरी सैलरी उनसे 4 गुना ज्यादा है, इतना तो बनता ही है। तुम्हें घर जाना चाहिए, सिर्फ टेक्निकल इश्यूज ही तो है, तुम इसमें क्या ही करोगे? बेहतर होगा तुम शानचान को संभालो। क्या तुम्हें मैं घर जमाई लगता हूँ? मैंने आरजी के डेटाबेस में कांटेक्ट किया, लेकिन उन्हें कोई सूटेबल केस अभी तक नहीं मिला है। तो भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोटोकॉल्स काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसमें डीले होगा। जोरो जी ने काफी अच्छे केसेस भेजे हैं, पर कोई सूटेबल नहीं मिला। कमीना, हमें ढूंढते रहना चाहिए। बाद में मैं सब केसेस की प्रिंट आउट लेती हूँ, हम घर जाके देखते हैं। ठीक है। मैंने कुछ प्रिंट आउट भेजे हैं। लाइट कैसे चली गई? आप लोग अभी भी यहाँ पे हो? मुझे माफ कीजिए, मैं जाके लाइट का सर्किट चेक करता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, हम तो सिर्फ हमें घर चलना चाहिए। हाँ, मेरी बैग लेके आती हूँ। घर चले? आज कुछ तो स्पेशल है क्या? आज हमने बहुत सारे कन्फेशंस और प्रपोजल्स देखे। हे भगवान,
इसे सच में समझ में नहीं आ रहा या नाटक कर रहा है। मेरा घर ऑलरेडी आ गया है, मेरे साथ आने के लिए शुक्रिया। इतने जल्दी? मैं तुम्हें ऊपर तक छोड़ने आता हूँ। तो फिर क्या वहां पे सरप्राइज है? जी अर्जुन, ये तुम्हारा आखिरी चांस है। मैं कल और परसों क्लासेस में बहुत बिजी हूँ, तो मैं तुम्हें उसके बाद मिलता हूँ। तो मैं चलूँ? सुबह जल्दी उठना है। बाय बाय। शेंजेजुन। हाँ बोलो। तुम ऐसे ही चले जाओगे? अगर तुम चाहती हो मैं ऊपर आऊं तो मैं मना नहीं करूंगा। तुम्हारे सपने में। मुझे बताओ, तुम कुछ इंपॉर्टेंट भूल तो नहीं रहे हो? नहीं। नहीं भूल रहे हो? शेंजेजुन, मैं तुम्हारी कौन हूँ? मेरी गर्लफ्रेंड। किसने तुम अभी तुमने क्या कहा? मैंने कहा तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। सीजर पेपर स्टोन। ये मैं जीत गया। चलो चेहरा उधर करो, अभी यहाँ पे तो जगह ही नहीं है। चंचन, क्यों ना तुम अपनी दवाई पहले खा लो, तब तक मैं चेहरा धोकर आता हूँ, फिर तुम और ड्रॉ कर सकते हो। पर प्रॉमिस ये हुआ था कि अगर तुम जीते तो ही मैं मेडिसिन लूंगा, और अगर मैं जीता तो मैं तुम्हारे फेस पे ड्रॉ करूंगा। पर तुम तो अभी तक एक भी बार नहीं जीते। तुम वाकई में मिस्टर शीम के बेटे हो। अच्छा लॉजिक है, ऐसा कैसे? मुझे जगह मिल गई, अब मैं यहाँ पे हॉर्न निकालूंगा तो तुम बन जाओगे यूनिकॉर्न जो सबको अच्छा लगता है। चंचन अभी बस भी करो, चलो तुम्हारी दवाई लेते हैं। चाइनीज सभ्यता में इसे क्वान शू कहते हैं। यहाँ जाओ। तो तुम घर आ ही गए, हार्डी तो रो ही देता अगर तुम नहीं आते तो। नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। हार्डी, मुझे माफ कर देना, परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चंचन का ध्यान रखना मेरा काम है। वेल, तुम अब घर जा सकते हो, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा आज के लिए पे कर दूंगा। थैंक यू सर, चलो अभी मैं चलता हूँ। बाय बाय चंचन। बाय बाय हार्डी। हाँ, जाके मुंह धो लेना वरना रास्ते में लोग डर जाएंगे। वहाँ पर जाइए। तुमने अपना मेडिसिन फिर से नहीं लिया ना? मैं तो पहले से ही ठीक हूँ, मुझे क्यों दवाई चाहिए? तुम्हारी माँ तो हमेशा कहती है कि तुम तो आयरन मैन हो, अगर कार को भी पेट्रोल चाहिए तो आयरन मैन को तो एनर्जी चाहिए ना? सही कहा। ये देखो, ये छोटी सी पिल तुम्हें बहुत सारी एनर्जी देगी, ठीक है? इसे जल्दी से खाओ ताकि हार्ट एनर्जी से भर जाए। अच्छा ऐसा है, तो मैं दवाई ले लेता हूँ, वैसे भी तुम बहुत सीरियसली बता रही हो। गुड बॉय। गुड, अब तो तुम स्ट्रांग हो गए, चलो मॉन्स्टर से लड़े। हाँ। हार्डी, हम मॉन्स्टर से फाइट करने जा रहे हैं। मैं मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकता। हाँ हेलो काव, बोलो। मैं हुई, मेरी बात सुनो, मैंने ऐसा लड़का मेरी पूरी लाइफ में नहीं देखा। उसे एक्चुअली लगता है कि किस करने के बाद हम दोनों कपल बन गए हैं। डियर मिस काव, सही सोच वाले लोग ऐसा ही सोचेंगी कि कपल से किस करते हैं। हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे लगता है ये सब स्पेशली सेलिब्रेट होना चाहिए। ओके, किसी को बाहर लेके जाना सीरियस होता है और उसे लगता है किसके बाद वो लेके जा सकता है। एक सीरियस मैटर कामू, ये सब बातें तुम ही कर रही हो ना? मुझे नहीं पता, मैं सच में बहुत परेशान हूँ। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें उसे मिलना बंद करना चाहिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो अच्छा लड़का है लेकिन कभी कभी बेवकूफी करता है, लेकिन क्यूट है। मिस काव, कांग्रेचुलेशंस, आप प्यार में हो, उसे मुझसे बाद में मिलाना। अभी मैं रखती हूँ, बाय। हेलो, मुझे प्यार है? उसके ऊपर डिपेंड है। इसे पढ़कर देखो, कॉफी से बेहतर नींद उड़ाएगा। तुम्हें मिल गया? रिक्वायरमेंट्स तो परफेक्ट है। पेशेंट कहाँ है? या फिर मैं ही सुबह जाके उस पेशेंट से ऑथराइजेशन लेती हूँ, क्या कहते हो उस बारे में?
बस यूज कर लो, ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं। लेकिन हमें तो। हाँ ये मेरा है, लेकिन याद रखना ये सिर्फ हमारे बीच रहे। किसी को अगर पता चला कि ब्लू जे इन्वेस्टमेंट्स के सीईओ को हार्ट प्रॉब्लम है तो कंपनी के स्टॉक्स ऊपर नीचे हो जाएंगे। मैं इसे सेफ रखूंगी, थैंक यू। किस लिए? अब चलो, तुम्हें एक केस तो मिल गया, प्रॉब्लम सॉल्व। कल सुबह पढ़ लेना। तुमने अपना आज का काम कर लिया है तो सिर्फ दूसरों को ही जाके रेस्ट लेने को मत कहना। तुम इंसान हो, रोबोट तो नहीं हो ना। वेल गुड नाइट। शिनची, क्या हुआ? शुक्रिया। कोई बात नहीं। गुड नाइट। बस एक सीटी कार्डियो एंजियोग्राम लेना है, मेडिकल रिकॉर्ड से मैच करना है, और बस इन सब के लिए मुझे एक पूरा दिन हॉस्पिटल में क्यों रहना है? चेयरवुमन ने कहा कि क्योंकि आप हॉस्पिटल में ही हो, क्यों ना पूरी बॉडी का चेकअप करवा लो। और वैसे भी पिछले चेकअप को आधा साल तो हो ही चुका है ना। क्या तुम सच कह रहे हो? लगता है उन्हें तुम्हारी काफी चिंता है। आपको पता है चेयरवुमन इनकी हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित रहती है, और साथ ही में इनके रिलेशनशिप के बारे में भी। और तुम जानते हो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? हाँ, मुझे लगता है तुम्हें रिप्लेस करना होगा। मुझे लगता है हार्डी सही कह रहा है, आपको चेकअप करना चाहिए। वैसे भी ये जगह मेरे घर से तो कंफर्टेबल है। अच्छा, तो तुम भी इसके हाँ में हाँ मिला रही हो? तुम्हारे पास इतना काम है मॉडल डेमोंस्ट्रेशन का, तुम्हें ऐसे कैसे अकेले छोड़ दूं? एक काम करो, तुम भी यहाँ पे आ जाओ। क्या तुम क्या चाहते हो मैं यहाँ पर रहूं, वो भी शैनचैन के साथ? मैं उसका ख्याल रख सकता हूँ। शैनचैन के सारे इंटरेस्ट के बारे में मैंने मास्टरी कर रखी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख के ऐसा लगता है तुम्हें फिर से परेशानी होगी। नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मिस्टर शीन, आपके चेकअप की तैयारी करें। हाँ ठीक है, जाओ यहाँ से। हाँ ये लो, चलो साथ में चलते हैं। ठीक है। चेकअप का टाइम। ओह माय गॉड, क्या हुआ? तुमने तो पहले देखा है मुझे। हाँ, अब मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, तुम अपना देखो। सच में? हाँ, डॉक्टर जू के पास तो पूरे के पूरे 8 पैक्स हैं। इतना ही है तो खुद जाकर देखो ना। बाकी कुछ नहीं, लेकिन ये शिनशी के गुड लुक्स के लिए वर्थ है। ढंग से नहीं दिखा। इसके अंदर जाने के बाद कैसा महसूस होता है? डर महसूस होता है, एक अजीब सा डर। ये बस एक मशीन है, लेकिन अंदर भयानक सा अंधेरा होता है जिसमें हम बस यूं ही लेटे रहते हैं, और जब इससे बाहर आओगे पता नहीं होता कि रिजल्ट में जीने की उम्मीद होगी या मौत का पैगाम। इसका मतलब शैनशान को भी ऐसा ही महसूस होता होगा। माफ करना मुझे। इसकी कोई जरूरत नहीं। मिस्टर शीन प्लीज लेट जाइए। हाँ। ज्यादा सोचना मत। जब शैनचैन चेकअप के लिए आता है तब मेरा हाथ पकड़ लेता है ताकि मेरी एनर्जी उसमें जाए। मैं बाहर ही हूं। मीन हुई जोरोजी। हाँ? तुम यहाँ कैसे? चंचन ने मुझे बताया तुम हॉस्पिटल आई हो। मेरे लिए नहीं, इसके लिए, इसका पूरे बॉडी का चेकअप करना था। मैं अंदर जा सकता हूँ? आओ बात करते हैं। जो केस मैंने तुम्हें दिया था क्या वो अच्छा लगा? हाँ? मुझे दो और केस मिल गए हैं। नहीं जरूरत नहीं है, मिल गया हमें।
तो मैं पेशेंट से कांटेक्ट करूं? नहीं, जायरन हॉस्पिटल से नहीं है, हमने कहीं और से अरेंज किया है। हाँ ठीक है, वैसे मैं अभी निकलने वाला हूँ, क्या तुम आओगी? आज रात मैं यहीं पर रुकने वाली हूँ, मुझे इसके साथ कुछ काम डिस्कस करना है, इसलिए यहीं पर सो जाऊंगी। मैं तुम्हें अपने रूम की चाबी देता हूँ, चाहो तो वहाँ सो सकती हो। मुझे नहीं लगता कि बाहर वालों को उस रूम में जाना अलाउड है, रूल्स को ब्रेक मत करो यार, ये सोफा यहाँ पे काफी बड़ा और कंफर्टेबल है इसके लिए। हाँ मैं ठीक हूँ जोरोजी, वैसे भी काम के वजह से मुझे नहीं लगता मैं आज सो पाऊंगी, आज के लिए एडजस्ट कर सकती हूँ। मिनहुई, चेकअप के बाद से मेरा सर दर्द कर रहा है। ओ, सर दर्द कर रहा है? क्या तुम चाहते हो मैं किसी डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं नहीं कोई नहीं, बस थोड़ी शांति मिल जाए तो अच्छा होगा। मैं निकलता हूँ, सुनो मैं यांगयांग के साथ शिफ्ट चेंज करता हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आ जाना। चलो मैं भी चलती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? तुम्ही ने तो कहा ना तुम्हें सर दर्द है और तुम्हें शांति भी चाहिए, इसलिए जा रही हूँ। चलो शांति चाहिए, माय फुट, बकवास कर रहे हैं। चलो कुछ खाते हैं, माय ट्रीट। नहीं ठीक है, मैं शिंची के लिए चॉकलेट्स लाती हूँ, बाय। चोरू जी, तुम तो बिल्कुल भी नहीं डरे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओ, वो मैं मैडम जियांग से मिलने आई थी जो यहाँ है। भूलो मत, मैं एक डेडिकेटेड वॉलंटियर हूँ। अच्छा है। रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। वो तो बस दोस्त है, और कुछ यहां वहां की बातें, ज्यादा मत सोच। कह के तो गई मुझे मदद करेगी, इतना टाइम क्यों लग रहा है? जोरू जी बहुत हो गया, अब मैं नहीं रुक सकती, मुझे कुछ पूछना था। बोलो। वो शूज। हाँ उसका क्या? जब तुम उस दिन मेरे साथ शॉपिंग पे आए थे तब तुमने शूज खरीदे थे, क्या वो मेरे लिए है? अगर है तो बता दो, वैसे तो मैं हील्स नहीं पहनती, लेकिन अगर तुमने वो खरीदे हैं तो मैं जरूर पहनूंगी। दरअसल वो तुम्हारे लिए नहीं था। पर वो तो मेरी ही साइज के थे। मुझे तुम्हारी साइज पता नहीं है, वो फ्रेंड के लिए था। गर्लफ्रेंड? नहीं। तो कोई जो तुम्हें पसंद है? हाँ। रुको, तुमने कैसे अपने दिल में किसी को जगा दे दी? ऐसे कैसे तुम किसी को पसंद कर सकते हो और मेरा क्या? क्या तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हें पसंद करती हूं? याओ जिजू। मिस्टर शीन। शिंची, क्या मिनहुई को पता है आप दूसरों की बातें सुनते हो? ये एक पब्लिक एरिया है, अगर तुम नहीं चाहते कि कोई और सुने तो तुम्हें कहीं और जाना चाहिए था। क्या आप मुझसे नफरत करते हो? तुम भी वही तो कर रहे हो। आप इसलिए नफरत करते हो क्योंकि मुझे मिनहुई पसंद है? मैं नहीं चाहता कि कोई उसके चारों ओर घूमे जबकि वो चैन चैन का पिता है। आपका क्या ख्याल है?
मुझे नहीं लगा इतना जल्दी बोल दोगे, मेरे पूछने से भी पहले। तुमने तो सब कुछ सुन लिया, मेरे पास छुपाने जैसा कुछ भी नहीं है। मैं मीनू ही को पसंद करता हूँ। जब मैंने 4 साल पहले उसे देखा तब भी मुझे उससे प्यार हो गया। तो अब तक बताया क्यों नहीं उसे? क्योंकि तुम्हें पता है उसे तुम पसंद नहीं हो। जब तक मैं उसके साथ हूं एक ना एक दिन उसे पता चल ही जाएगा। वो जो लड़की गई अभी यहां से वो भी काफी खूबसूरत है, क्या तुम्हारे लिए ये काफी होगा उससे प्यार करने के लिए? डॉक्टर जू, मैं शुक्रगुजार हूं कि तुमने मिनहुई और शैनचैन की 4 साल से देखभाल की। मैं दिल से कहता हूं और मैं ये देख सकता हूं कि मिनहुई तुम्हारी सच में इज्जत करती है, लेकिन मैं जितना उसे जानता हूं 4 सालों में उसने तुम्हें कभी ऐसा देखा नहीं और ना ही कभी देखेगी। सुनना है तो सुनो। और आपका क्या? आपको लगता है मिनहुई फिर से आपसे प्यार करेगी? हाँ जरूर। शैनचैन बिल्कुल सही कहता है, तुम्हें सोने का नाटक नहीं करने आता। तुम्हारी आंखें अंदर ही अंदर बहुत हिल रही थी। चॉकलेट बहुत अच्छे, शुक्रिया। ये ब्लड रिलेशनशिप्स ना सच में काफी अजीब होते हैं। जब शैनचैन हॉस्पिटल में आने के लिए मना करता था तब मैं उसे यही देती थी। सच कहूं तो मैं ये केस स्टडी कर रही थी और इससे ये पता चला कि तुम 5 साल तक ठीक नहीं हुए थे। मुझे पता नहीं था कि ये इतना सीरियस होगा। 5 साल पहले एक प्रॉमिस के लिए तुमने अपनी लाइफ रिस्क में डाली थी। ऑर्फनेज छोड़ने के पहले मैंने सुतियान को प्रॉमिस किया था कि मैं 15 साल बाद वापस लौटूंगा। तभी मैं बहुत ही बीमार था। ऑर्फनेज के सारे बच्चे मुझे पसंद नहीं करते थे, लेकिन सिर्फ उसने मुझे फ्रेंड की तरह माना। तो अंदर ही अंदर वो हमेशा मेरे लिए एक बहन की तरह थी। और मैंने तो ये भी सोचा था कि इस पूरी दुनिया में बस वही एक मेरी अपनी है। हम दोनों एक दूसरे से इतना नहीं मिलते थे, लेकिन जब भी मिला करते सिर्फ तुम्हारे बातें होती। वो सच में तुमसे मिलना चाहती थी शिनची।
मैं उसकी सेहत के लिए हर साल मंदिर में जाती हूँ। वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा, मुझे उस पे पूरा यकीन है। शिनशी अपना वादा हमेशा याद रखेगा। उसकी सिर्फ यही विश थी कि तुम जल्द से जल्द ठीक होकर उससे मिलो। इससे ज्यादा उसे और कुछ नहीं चाहिए था। शुक्रिया तुम्हारा, सूतियन के साथ रहकर मुझे ये सब बताने के लिए। मैंने कभी सोचा नहीं था हम सूतियन के बारे में इतनी सारी बातें करेंगे। सही कहा, मैंने भी नहीं सोचा। यही वो जगह है। हाँ? हेलो, क्या तुम्हें ये ब्रेसलेट पसंद आया? ये मेरे पति ने अपने हाथों से बनाया है और इसका नाम है मून एट नाइट। तुम्हें इसका मतलब पता है? तुम इतने सालों के बाद आए, फिर भी मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हुई हूँ। मुझे पसंद आया। क्या इसे पैक कर देंगे प्लीज? हाँ, लेकिन तुम्हें इन लकी सैशे में से ये निकालना होगा। आखिरकार प्यार तो भाग्य पे निर्भर करता है। क्या ये करना ही होगा? तुम करो ना। नहीं, तुम करो इसे। नहीं, तुम। मैं? ये वाला? हाँ, उसे ले लो। नंबर वन। कौन सा नंबर आया है? नंबर तीन है। तीन नंबर? ये सुंदर इयररिंग्स की जोड़ी के लिए है। वैसे ये भी बहुत अच्छे हैं। हम इसे लेंगे। मैं आपके लिए पैक करके लाती हूँ, थोड़ी देर रुकिए। शुक्रिया। मैडम जी, मैं सारे सैशेस खरीदना चाहूंगा। हाँ? मैं जिसे चाहता हूँ उसे तकदीर के भरोसे नहीं छोड़ सकता, खुद के दम पे हासिल करूंगा। ठीक है, फिर मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं पैक करके लाती हूँ। हाँ।